टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मौजूद है इस समय हम उमरा पुलिस स्टेशन के पास बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर। आपको बता दें कि दरअसल मामला ये है कि दीवा से कुछ लोग उमरा पुलिस स्टेशन में आज शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं और किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक टिप्पणी की है और उसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए दीवा से तमाम लोग यहाँ उमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं FIR दर्ज कराने के लिए कि जिसने भी टिप्पणी की है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। सामाजिक सेविका अश्विनी केंद्रे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की गई है, किसने टिप्पणी की है ये और क्या टिप्पणी की है? दीवा में आज एक बहुत ही मतलब दुर्दैवी घटना घट चुकी है। सोनू दुबे नाम के व्यक्ति ने आज बाबा साहब के फ़ोटो की विटंबना करके वो फेसबुक स्टेटस व्हाट्सअप स्टेटस पर रखी हुई थी। उसे हम तक पता चलने के बाद हम सब दीवा के जो है सामाजिक कार्यकर्ते हम सब दीवा चौकी में गए। उसके बाद दीवा चौकी में आने के बाद हम लोग मुमरा में आए और उस पर आज 12 बजे से हम लोग उसके पीछे थे और आज मुमरा के मधुकर कड़ साहब ने उस पर FIR दर्ज किया है और उसने ये टिप्पणी दी है। देखो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ क्या टिप्पणी में क्या लिखा है उसने। टिप्पणी में ये लिखा है कि 80% होने वाले होनहार लड़कों से कुर्सी छीनकर 33 वालों के लिए कुर्सी ले जाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। भारतीय संविधान का सबसे घटिया कलम यही जुड़ा है। इस प्रकार की टिप्पणी सोनू दुबे ने की है। हमारी यही मांग है उस वक्त मतलब कड़ी से कड़ा सजा हो जाए ताकि ऐसा कोई दोबारा ना कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारे व्यक्तिगत नेता नहीं थे, उन्होंने सबके लिए संविधान लिखा है। तो उनकी पहले उनकी मतलब प्रतिमा तुम देखो क्या है, उसके बाद टिप्पणी करो। हम किसके ऊपर कर रहे हैं, इनका उनको लिहाज रहना चाहिए। तो मेरा यही दरखास्त है कि सबको कि बाबा साहब ये पर्टिकुलर SC ST के समाज के लिए नहीं थे, वो सबके लिए थे। संविधान पूरे भारत देश के लिए बनाया गया हुआ है। तो कृपया करके उनको एक जाति भेद में बंटवारा मत कीजिए और उनके ऊपर टिप्पणी करना बंद कीजिए। अच्छा, ये जो सोनू नाम आप बता रहे हैं जिसने टिप्पणी की है, ये दरअसल कहाँ का रहने वाला था और आप लोगों से क्या उसकी बातचीत हुई, उसने ऐसा क्यों टिप्पणी किया, इसके बारे में कुछ बताया उसने? हाँ नहीं, उससे बातचीत तो हमारी हुई नहीं है क्योंकि चौकी में वो बाहर गया हुआ था, उनको फ़ोन किया था अभी तो पुलिस वालों ने उनको लेके आया, इसके लिए हमारी बातचीत नहीं हुई है। और वो बोल रहा है कि गलती से हुआ, लेकिन ऐसी गलती कभी होती नहीं। ध्यान दो, स्टेटस पे वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें उसको कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है। तो जो भी उसने बोला है वो झूठ बोला है, उसने खुद से जानबूझ के किया हो या फिर उसका कोई गॉडफादर होगा वो हमें पता नहीं है। जल्दी जल्दी उसकी हम लोग पता करेंगे कि उसके पीछे किसका हाथ है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है ये? दीवा मुमरा कॉलोनी में रहने वाला है और प्रॉपर UP का है। तो क्या अभी आप लोग ने शिकायत की, पुलिस ने मामला दर्ज किया, क्या उसे पुलिस पकड़ कर लाई है? हाँ, उसको पुलिस पकड़ के लाई है, मामला दर्ज भी हुआ है। FIR कॉपी मिली आपको? नहीं अभी मिले नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी। क्या कहेंगे यार, किस तरह से इस तरह की जो टिप्पणी कर जाते हैं लोग, इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो? जो सोनू दुबे नाम का आरोपी पकड़ा गया है, इसके खिलाफ किस तरह से जो है कार्रवाई की मांग करें? इससे ऐसा कार्रवाई किया है कि संविधान का उसने उल्लंघन किया है, उसे देशद्रोही का गुनाह उसमें होना चाहिए, एट्रोसिटी दाखिल होना चाहिए। क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके ये मतलब किया है काम, उसमें देशद्रोही और एट्रोसिटी दाखिल होना चाहिए। बहरहाल, सुना आपने कि जिस तरह से सोनू दुबे नाम का जो लड़का है, जो बहरहाल UP का रहने वाला है लेकिन इस समय जो है दीवा में वो रहता था, और उसने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो है टिप्पणी की, जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, और बहरहाल लोगों ने आज मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है और आरोपी जो है वो पुलिस हिरासत में। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।